Hello everyone, I am your maths teacher. My name is Bharti Bhardwaj and today I am going to start chapter 12, area related to circles for class 10. So let's start. हमारे चैप्टर का नाम है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल. इसका मतलब पहले सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे. तो सपोज करो कि कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे और पॉइंट्स हैं लाइक दिस. सेंटर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है. अब ये देखो कि अगर किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा वो हो जाएगा सर्कल. अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा, ये देखो, ये सर्कल बन गया. और इनकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो क्या है, वो फिक्स्ड है, वो इक्वल डिस्टेंस है, उनकी इक्वल डिस्टेंस है सबकी, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, मीन्स वो फिक्स्ड है, क्लियर. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, सर्कल की डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at fixed distance from a fixed point in a plane is called circle. Means सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर, जो पॉइंट्स कहाँ हैं फिक्स डिस्टेंस पे हैं और कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर उन सबका कलेक्शन किसी देखा लेंगे हम, या क्या बोलेंगे कि उनका जो कलेक्ट करेंगे वो होगा हमारा सर्कल. वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है. अब इसमें जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल. फिक्स पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर ऑफ सर्कल. एंड जो फिक्स डिस्टेंस है, जो इक्वल डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल. एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्कल. कैसे डिनोट करेंगे उसको, स्मॉल आर से, ठीक है. अब ये देखो, अब क्या बात आती है सर्कमफ्रेंस की. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस इज अ लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. लाइक पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है. लाइक देखो, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, A, B, C, D. इसकी साइड्स A है एंड B है. अगर सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, मीन्स सारी बाउंड्री में जो भी बाउंड्री की जो भी साइड्स हैं उनको सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 2A plus 2B. मीन्स ये पैरामीटर आ गया रेक्टेंगल का, ठीक है. इसका मतलब जो बाउंड्री है उनको ऐड किया ना हमने, तो ऐसे ही सर्कल की जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे आया, कि क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, पाई होता है. क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर. सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो पाई होता है. उसको पाई को हमने ग्रीक वर्ड दिया है, ग्रीक वर्ड पाई दिया है उसको. अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ से कैसे आया, पाई मल्टीप्लाई डायमीटर तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पाई कैसे आया है, ठीक है. तो पाई को सर्कमफ्रेंस बाय टू डायमीटर, देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर एंड डायमीटर का फॉर्मूला
2r, ये देखो पाई r, ठीक है। ऐसे ही पाई मल्टीप्लाई डायमीटर हो गया तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया, डायमीटर को कैसे लिख सकते हैं, ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस r है, ये भी r है, तो ये जो पूरी लाइन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 2r, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई r, ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर की। सपोज ये एक सर्कल है, अगर कोई पॉइंट सर्कमफेरेंस पे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट से एक लाइन दूसरे पॉइंट पर जाती है, पास होगी, तो वो क्या होगा, कोण, ठीक है। इफ अ लाइन गोज टू द अनदर अनदर लाइन अनदर पॉइंट, अ पॉइंट या बोल सकते हैं यही बोलेंगे कि पॉइंट गोज अनदर पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोण, ठीक है। डायमीटर क्या हुआ कि अगर यही लाइन यहाँ सेंटर से होती जाएगी, सेंटर से पास होगी, तो वो होगी, वो होगा डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का की डेफिनेशन क्या होगी, डायमीटर की डेफिनेशन होगी इफ अ कोण पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। मीन्स ये कोड है, कोड क्या होगा कि किसी भी सर्कल पे, किसी भी लाइन पे, मतलब कहीं भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब जैसे ये जो है, जैसे कि ये जो सर्कल है ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मतलब जो ये लाइन है ये, इसको बोलेंगे कोड, ठीक है, इसको बोलेंगे कोड। ऐसे ही अगर यही कोड सेंटर से होके पास पास होके जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल की। एरिया ऑफ द सर्कल की बात करते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी कि सर्कल है ये, तो सर्कमफेरेंस के एरिया, सर्कमफेरेंस तक जितनी भी बाउंड्री है, जितनी भी इसकी बाउंड्री ऑफ द लेंथ है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री है, तो जो वो एरिया होगा अंदर का, जो स्पेस होगा, जो रीजन होगा, उसका, उसकी मेजरमेंट होगी एरिया ऑफ द सर्कल। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रीजन या स्पेस बोल दो, एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। मीन्स बाउंड्री तक से जितना भी ये बंद होगा ना सर्कल बाउंड्री तक, तो उसका जो स्पेस होगा उसकी जो मेजरमेंट होगी वो एरिया ऑफ द सर्कल होगी, सर्कल का एरिया बोलेंगे उसको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो ये पाई आर स्क्वेयर आपको याद रखना पड़ेगा, वरना ये आया कैसे है ये भी देख लो कि ये देखो, ये सारे सर्कल है ना, सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे है सारे, अगर ऐसे जाएंगे तो, अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, इसके सर्कल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, ऐसे ही बना है, तो अगर इस सर्कल को यहाँ से काट दे, ऐसे काट दे सेंटर तक काट दे, और इस सर्कल को ऐसे खोल दे, ठीक है, तो कौन सी शेप ले लेगा, ये ट्रायंगल शेप ले लेगा। लाइक अगर इसको इस तरह से खोलोगे तो जो बाहर वाला जो जो लेंस सबसे ज़्यादा जिसका सर्कमफेरेंस बड़ा है तो पहले वो आएगा, ठीक है, फिर उससे ऊपर वाला जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस है वो आएगा, फिर ऐसे करके इस तरह से रख देंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और हाइट इसकी आर ही हो जाएगी, और
जो बेस है इसका, अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो जो बेस है तो वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ही होगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। तो ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ये देखो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इट मीन्स सर्कल का जो एरिया है वो कैसे आया, सर्कल का एरिया को अगर बीच से काटे हम, मतलब सर्कल को अगर बीच से काटे और उसको ऐसे खोले तो ये कौन सी शेप मिलेगा, ट्रेंगल की शेप। और ट्रेंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें पुट करेंगे और एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे, कि अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो सेमी मतलब हाफ सर्कल, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट का बोला जाए तो जैसे देखो क्वाड्रेंट का बोला जाए तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर इसको हाफ काटेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर, उसके बाद अगर इसको पूरे क्वाड्रेंट के हिसाब से काटेंगे, लाइक फर्स्ट, इससे से फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसे कट करेंगे, मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला होगा इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर थ्री पार्ट्स में अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो 1/3, 4 पार्ट्स में पूछेंगे तो 1/4, हाफ पार्ट्स में पूछेंगे, 2 पार्ट्स में पूछेंगे तो 1/2, एंड 4 पार्ट्स में पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है।